19 रमजान 40 हिजरी को जब मस्जिद कूफा में इमाम अली अलैहिस्सलाम को सरबत लगी, आप बिस्तर शहादत पे आए, और जब 21 रमजान की रात करीब आने लगी तो आपने अपने शहजादे हसन और हुसैन को बुलाया और वसीयत की, मैं तुम दोनों को वसीयत करता हूँ कि तकवा से दूर ना होना, और दुनिया अगर तुम्हारी तरफ आए भी तब भी उसे दिल न लगाना, दुनियावी चीज ना मिलने पर कभी अफसोस ना करना, हमेशा हक बात कहना, और जो अल्लाह की मखलूकात पे जुल्म करते हैं उनके दुश्मन रहना, मजलूम की मदद करते रहना, उसका साथ देना, और हसन हुसैन जहाँ तक हो सके मेरे इस पैगाम को हर एक तक पहुंचाना कि अपने काम जिम्मेदारी से करते रहें और अपने दरमियान ताल्लुकात को अच्छा बनाए रखें, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि लोगों के दरमियान सुलह करवाना, ताल्लुकात को अच्छा करना हजारों साल के रोज़ा और नमाज से बेहतर है, और यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना कि कभी वो भूखे न रहे और तुम्हारी निगाहों के दरमियान वो बर्बाद ना हो जाए। अल्लाह ने जिसको ज्यादा दिया वो इसलिए दिया ताकि वो अपने इर्द गिर्द हकीर इंसानों की मदद कर सके, और पड़ोस में रहने वालों का ख्याल रखना, क्योंकि अल्लाह के रसूल पड़ोसियों के बारे में बार बार इतनी नसीहत करते रहते कि लोग समझने लगते थे कि शायद अल्लाह के रसूल इनको हमारा वारिस भी बनाने वाले हैं। कुरान को समझने और उस पे अमल करने में देर न करना, कहीं ऐसा ना हो कि उस पे अमल करने में दूसरे लोग तुमसे आगे निकल जाएं। अल्लाह से नमाज के बारे में डरते रहना, क्योंकि वो तुम्हारे दीन का सुतून है, और अल्लाह के घर की हिफाजत करो क्योंकि वो तुम्हारी पहचान है। अल्लाह से डरो अपनी जान माल और ज़बान के बारे में, न किसी का माल गसब करो, न किसी को हाथों से तकलीफ दो, न किसी की ज़बान से दिल दुखाओ, आपस में एक दूसरे से ताल्लुकात रखो, एक दूसरे की मदद करते रहो, और खबरदार एक दूसरे से ताल्लुकात खत्म न कर लेना, एक दूसरे से मुंह न फेर लेना, अमर बिन मारूफ और नहीं अनल मुनकर को न छोड़ना, वरना तुम पर बुरे लोग मुसल्लत हो जाएंगे, फिर तुम फरियाद भी करोगे तब भी तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई न रहेगा। और तमाम अब्दुल मुतलिब की औलाद को खबरदार कर दो कि वो इंसान का खून न बहाएं इस बात पर कि अमीरुल मोमिनीन को कत्ल कर दिया गया, मैं ये ना देखूं कि वो मुसलमानों का खून बहाना शुरू कर दे, मेरे बदले में मेरे कातिल के अलावा किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, देखो अगर इस ज़र्बत ने मेरी जान ले ली तो एक ज़र्बत का जवाब एक ही ज़र्बत है, और देखो मेरे कातिल के जिस्म के टुकड़े ना करना, क्योंकि मैंने खुद रसूल खुदा से सुना है कि खबरदार किसी मुर्दे के आज़ाए बदन को मत काटो, चाहे वो पागल कुत्ता ही क्यों ना हो।